आज जब सारी प्रकृति अनुकूल हो गई तब भगवान ने महारास करने की इच्छा की। भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्शक्रे योगे मायामुपाश्रितः। भगवान अपि तारात्रि, भगवान होने के बाद ही आज महारास करने की इच्छा ठाकुर जी ने किया। तारात्रि कौन सी रात्रि है? वही रात्रि है जिन रात्रियों के लिए भगवान ने गोपांगनाओं को आशीर्वचन दिए थे कि आगे शरद की रात्रि में हम तुम्हारे साथ महारास करेंगे। मल्लिकादि पुष्पों से सुंदर सुवासित रात्रि है आज की। ध्यान दीजिए, मल्लिका की सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, सुंदर भीनी भीनी सुगंधी निकल रही है, चंद्रोदय हो रहा है। चंद्रमा का जब उदय होता है पूर्व दिशा में तो पूर्व दिशा में लालिमा छिटक पड़ती है। शुकाचार्य भगवान कहते हैं परीक्षित पूर्व दिशा में चंद्रोदय हो रहा है तो लालिमा छिटक रही है, ऐसा लग रहा है मानो प्रियतम अपनी प्रियतमा के मुख में कुमकुम का लेपन कर रहा हो। कितना सुंदर श्रृंगार कर रहा है, कभी कुमकुम का लेपन हो रहा है। दृष्ट्वा कुमुदवंत मखंड मंडलम रमाननाभं नवकुंकुमारुणं वनं च तत्कोमल गोभिरंजितं जगौ कलम्बामिदृशां मनोहरम्। भगवान ने आज वेणु वादन करना प्रारंभ किया है। जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम, वेणु कैसी बज रही है? ऐसी वेणु है जो केवल गोपियों के ही कानों में सुनाई दे रही है और किसी को नहीं सुनाई दे रही। कल भी बांसुरी बजी थी, कल की जो बांसुरी है वो सर्वत्र चराचर जगत को सुनाई दे रही है। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम्। आज की जो बांसुरी बज रही है केवल गोपियों को सुनाई दे रही है। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रिया कृष्ण ग्रहीते मानसा आजगुरन्योन्यमलक्षितोद्यम सयत्र कांतो जवलोल कुंडलला सयत्र कांतो जवलोल कुंडला गोपियों के कानों के कुंडल कपोलों का चुंबन कर रहे हैं।
बड़ी सुंदर बांसुरी है, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, 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 बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि किनारे, 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 वेद पढ़त ब्रह्म भूल, वेद पढ़त ब्रह्म भूल, वेद पढ़त ब्रह्म भूल, वेद पढ़त ब्रह्म भूल, भूल ब्रह्मचारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। रंभा समताल चौके भूल नृत्यकारी, 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 यमुना जल उलट पै हो, 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 सो भयाज भारी बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, हो बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। वृंदावन बंसी बजे तीन लोक प्यारे, वृंदावन बंसी बजे तीन लोक प्यारी, वृंदावन बंसी बजे तीन लोक प्यारे, वृंदावन बंसी बजे तीन लोक प्यारे, ग्वाल बाल मगन भय, ग्वाल बाल मगन भय, ग्वाल बाल मगन भय, ग्वाल बाल मगन भय, ब्रज के सब नारी बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज
गर्भ से मुरारी। सुंदर श्याम मोहिनी मूरत नटवर बपुधारी। 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 सूर को प्रभु मदन मोहन। 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 चरणन बलिहारी बांसुरी बजाए अजय रंग से मुरारी। 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 ओ 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 रंग से गोपियां जैसे सुनती हैं दौड़ पड़ती हैं। एक गोपी तो सुंदर वस्त्र धारण कर रही थी और ऊपर का वस्त्र नीचे पहन लिया, नीचे का वस्त्र ऊपर पहन लिया। एक गोपी अलंकार धारण कर रही थी तो नाक की नथनी कान में डाल दी और कान का वाला नाक में पहन लिया। एक गोपी आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगाया है और एक आंख में बिना काजल लगाए ही दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने पति देव के लिए बढ़िया सुंदर हलवा पकाए रही थी। हलवा का पात्र जहां का तहां छोड़ा और सीधे चल पड़ी। एक गोपी को दोहन कर रही थी तो दोहन का पात्र छोड़ करके ही बांसुरी को सुनकर के दौड़ पड़ी। अंत्यो भी कश्चित दोहम हित्वा समुस्सका पयोधिश्रित्य संयाव मनुत्वास्य परायुः। एक गोपी की तो पति ने पकड़ करके बांध दिया। वो गोपी योगासन लगाई और सबसे पहले पहुंच गई। जहोर गुणमयं देहं सत्यः प्रक्षीण बंधना। वो ध्यान के माध्यम से प्राणों को विसर्जित कर दी। सारे के सारे भव बंधन उसके खिल गए, खुल गए और श्याम सुंदर के पास पहुंच गई। देखो तो भला श्याम सुंदर के पास आज जैसे ही गोपी पहुंची है, श्याम सुंदर ने पूछा कैसे आई। देवियों स्वागत तो कर रहे हैं पर आपके आगमन का कारण क्या है बताओ तो सही। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवा ब्रजश्यामयं कश्चिते ब्रूतागमन कारण। महाभागा तुम्हारे आगमन का मूल कारण क्या है, कैसे आई हो, क्यों मैं नहीं आ सकती। अरे देवी बात यह है कि अंधेरी रात है, इस समय आसुरी स्वभाव वाले प्राणी निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। स्त्रियों को घर त्याग करके कभी नहीं जाना चाहिए। देखो तुम्हारे माता पिता भाई बंधु पुत्र स्वजन संबंधी तुम्हें खोज रहे होंगे। देखो देवियों दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कररंजितम। हमें ऐसा लग रहा है कि
कि तुम लोग आज शरद पूर्णिमाए हैं तो शरद चंद्र की चांदनी का दर्शन जंगल में करने आई होगी। गोपियों ने कहा बिल्कुल सत्य बात, आई तो चंद्र दर्शन करने है। पर श्याम सुंदर सुन लो, हम ये चंद्र दर्शन करने नहीं आई हैं, हम आई हैं तो श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन करने आई है। भगवान ने कहा देवियों, स्त्रियों का पति कैसा भी होवे तो हुसील हो, दुर्भग हो, अंध हो, क्रोधी हो, बधिर हो, नारी को अपने पति का त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। पता लगा पति ने जीवन भर आपकी सेवा की, पति पागल हो गया और आपने कहा ऐसे पति की सेवा करने से क्या लाभ है, छोड़ दिया। पति बीमार हो गया हो तो छोड़ देवे, पति वृद्ध हो गया हो तो छोड़े, वृद्ध रोग बसे जड़े धन ही ना, अंध बधिरे क्रोधी अति दीना, दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्यो धनो पीवा, स्त्री भिर्नहा तव्य लोके सुभिर पाते की। जो नारी अपने पति का त्याग करती है वो सबसे बड़ी पात की है। ऐसे हो पति कर किए अपमान, ऐसे हो पति कर किए अपमान, ऐसे हो पति कर किए अपमान, ऐसे हो पति कर किए अपमान। पावे यमें पुर दुख नाना, नारी पावे यमें पुर दुख नाना, नारी पावे यमें पुर दुख नाना। गोपियों ने कहा गोविंद हम आपकी शरण में वैसे ही आई है जैसे मोक्ष कामी जीव भगवान नारायण की शरण में जाते हैं। एक प्रश्न है, किसी नारी का पति विदेश गया और वह नारी अपने पति के चित्रपट की सेवा कर रही हो, कालांतर में पति लौट करके आवे, सांकर खटखटावे, देवी जी दरवाजा खोलो ना, देवी जी दरवाजा खोलो ना, उस समय नारी को पति के चित्र की सेवा करना चाहिए या साक्षात पति आ गए हैं तो सेवा करना चाहिए, क्या करना चाहिए? जब साक्षात पति है तो चित्रपट की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही आप परम पति हैं,
संसार के पतियों की सेवा की आवश्यकता तब थी जब तक आप जैसे परम पति की प्राप्ति नहीं हुई थी। गोविंद, आप जब से कह रहे हैं चली जाओ हम जाएंगे, पर एक शर्त में जाएंगे। पूछा क्या शर्त है? शर्त यह है कि आप मेरे चित्त को लौटा दीजिए। भगवान ने कहा देवियां चित्त तो लौटाना बड़ा मुश्किल है। कहा तो एक पागल व्यक्ति भी बिना मन के कोई कार्य नहीं कर पाता है, तो मैं वहां जाकर के क्या करूंगी? करवामि किंबा। गोविंद, एक बात कहूं मैं आपसे, अगर आप मेरा वरण नहीं करेंगे हम सबको पांगनाओं का वरण नहीं करेंगे, हम गोपियां अपने प्राणों को विसर्जित कर देंगे। भगवान ने पूछा हो देवियों कैसे करोगी, प्राणों को कैसे विसर्जित करोगी? गोपांगनाओं ने कहा मेरे हृदय में जल रही है रच्छयाग्नि, कामाग्नि। अगर आपको, हम सब गोपांगनाओं के हृदय की रच्छयाग्नि को, कामाग्नि को शांत करने की इच्छा है, तो एक ही काम कर दो प्यारे, अपने अधरों का अधरामृत पान करा दो, बस इतना ही मुझे चाहिए। सिंचांगनस्त्वद धरा मृत पूर के हासावलोक कलगीत द्रहच्चयाग्नि नो चेत वयम विरह जाग्नि प्रत्यक्त देहा ध्याने नयाम पदयो पदवी सखे ते। भगवान ने समझ लिया ये गोपियां प्राणों को छोड़ सकती हैं पर मुझ प्राणेश्वर को नहीं छोड़ सकती हैं। भगवान ने कहा देवियों आओ, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। जब कोई व्यक्ति घड़ा खरीदने जाता है तो उसे ठोक करके देखता है फूटा तो नहीं, और मैं तो तुम्हें दिव्य महाराज का सुख प्रदान करने वाला रसा नाम समूहो रासा, रसों की दिव्य समूह को रास कहकर के पुकारते हैं। आओ हम तुम्हारे साथ महाराज करते हैं। भगवान ने तुरंत गोपियों के बाहुओं से बाहुओं को मिलाया, अधरों से अधरों को मिलाया, सी चरणों से चरणों को मिलाया, अंदर न्यास विन्यास करना प्रारंभ किया। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरो नीलवीष्ट नाल भन नर नखार पाते चेल्यावलोक हसिते ब्रज सुंदरी उत्तम भयं प्रतिपतिं रमया चकार। रतिपति कामदेव आ गया, भगवान ने उल्टा लटका दिया, दिव्य महाराज प्रारंभ हुआ है। भगवान गोपांगनाओं के साथ ताता देई करके नाचने लग गए। इधर गोपियों को अभिमान हो गया, हम इतनी सौभाग्यशाली हैं कि श्याम सुंदर ने हमें ग्रहण किया है। आसाम
तत्सौभगमदं वीक्षमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयत। दिव्य महाराज के बीच से भगवान अंतर ध्यान हो गए। गोपियां खोजने लगी को जड़ को चैतन्य न कछु जानत भी रही थे। आज गोपांगनाएं वृक्षों से पूछ रही हैं, बकुल से पूछ रही हैं, चंपक से पूछ रही हैं, मालती से पूछ रही हैं, एक गोपी तो तुलसी के वृक्ष से पूछ रही है। कैया चराते हुए बंसी बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। गैया चराते हुए पंखे बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। मुफुकाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। किसी ने मेरा श्याम देखा। किसी ने मेरा श्याम देखा। क्या किसी ने मेरे श्याम सुंदर का दर्शन किया है? दर्शन किया हो तो बता दो ना। तुलसी के वृक्ष से पूछ ही रही थी। वच्युत्तुलसी कल्याणी गोविंदे चरण प्रिये सहत्वावकुलै बिभ्रत् दृष्टास्ते प्रियोच्युतः। अरे कल्याणी, अरे गोविंद चरण प्रिय, क्या तुमने मेरे श्याम सुंदर को देखा है? देखो, गोपांगनाएं तुलसी जी के दो नाम ले रही हैं। कौन कौन से? कल्याणी और गोविंद चरण प्रिय। क्यों? जिसके गले में तुलसी जी की कंठी पहुंच जाती है वह प्राणी भगवान के परम पद का अधिकारी बन जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। कल्याण गोविंद चरण प्रिय, भगवान को प्राणों के समान प्यारा हो जाता है। तुलसी जी जिसके गले में भगवान देख लेते हैं उससे खूब प्रेम करने लग जाते हैं। गोविंद चरण प्रिय। अचानक एक गोपी की दृष्टि कुछ पुष्प के
कणों पर पड़ी और एक गोपी की दृष्टि भगवान के चरण चिन्हों पर पड़ी। भगवत चरण चिन्हों पर पड़ी जब दृष्टि तो उसने बड़े जोरों से सखियों को पुकारा, अरे सखियों देखो तो भला यहां मेरे प्यारे के चरण चिन्ह दृष्टिगत हो रहे हैं। वज्र अंकुश ध्वज के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, लगता है मेरे प्यारे इसी मार्ग से गए। दूसरे ने कहा अरे देखो देखो यहां तो पुष्प के कण गिरे हैं, लगता है किसी माननी गोपी का श्रृंगार किया है मेरे श्याम सुंदर ने। एक ने कहा माननी गोपी कौन होगी, दूसरे ने कहा हमें तो ऐसा लगता है अने आराधितो नूनम भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो वामन यद रहा। हमें तो लगता है इसी राधा रानी ही हो सकती है, तभी तो संत कहते हैं राधे तू बड़ भागिनी कवन तपस्या की, राधे तू बड़ भागिनी कवन तपस्या की, तीन लोक तारण तरण तीन लोक तारण तरण तारण तरण सोते रोवा सोते रोवा सोते रोवा सोते रोवा सोते रोवा। सारी गोपियां राधा रानी के पास पहुंची। राधा रानी ने पूछा देवियों कैसे आई, आज स्वामी तुम्हारी दशा कैसी ये जानने आई, आज जैसे तुम्हें अभिमान हुआ वैसे मुझे भी अभिमान हुआ। चलो जो वस्तु जहां घूमती है वही खोजनी चाहिए। सारी की सारी गोपांगनाएं यमुना के पुलिन पर पहुंची और वहां जाकर के कनक मंजरी छंद से गोपी गीत का गायन करना प्रारंभ किया। आइए हम सब गोपी गीत का गायन करते हैं। ये गोपी गीत भागवत का प्राण है, भगवान के प्राप्ति की जिसको भी इच्छा हो गोपी गीत का पाठ उसे जरूर करना चाहिए, भगवान की प्राप्ति से शीघ्र होती है। जयति ते धिकम जन्मना प्रजा साधु जा
भगवान आपके जन्म लेने से ब्रज की महिमा बहुत अधिक बढ़ गई। श्रेयति इंदिरा, यहां लक्ष्मी जी भ्रमण कर रही है पर लक्ष्मी को कोई पूछने वाला नहीं। तैत दृश्यताम गोविंद, थोड़ी दर्शन दे दो ना, इतने निष्ठुर मत बनो, हम आपकी हैं। एक ने कहा लगता है गोविंद आप नंदनंदन हैं, यशोदा नंदन नहीं। भगवान ने मानो पूछा हो तुम्हें नंदनंदन, तुमने नंदनंदन क्यों कहा? कहा सरकार आपके नाम के आदि में नकार है और अंत में नकार है, एक बेचारा दकार जरूर है, उसे भी अर्ध नकार ने हक लिया। एक सेठ जी थे, उनके पास एक ब्राह्मण देवता बार बार भिक्षा मांगने के लिए आवे, महाराज कुछ दे दीजिए, मेरी बेटी का विवाह होना है। सेठ जी कहें आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल, करते करते 6 महीने बीत गए। ब्राह्मण देवता विद्वान थे, ब्राह्मण देवता ने कहा सेठ जी आप दोगे नहीं। पूछा क्यों? कहा आपका नाम नंदनंदन है,
आदौ नकारे अन्ते नकारे मध्ये तकारेण हतो नकारे। मध्य में एक बेचारा दकार है, उसे भी अर्ध नकार ने हत लिया है। गोपियां कहती आप निष्ठुर हो, आप मुझे दर्शन नहीं देंगे, अब तक तो हमारे प्राण चले जाते। भगवान ने पूछा तो देवी जी बची कैसे हो अगर प्राण चले जाते तो? कहा सरकार मैंने कथामृत का पान कर लिया है, जो आपकी कथा का श्रवण कर लेता है, कथामृत का पान कर लेता है, वो फिर कभी मरता नहीं है। तब कथामृतम तब तक जीवनम। गोविंद जितने भी सब संसार के तपित प्राणी हैं, तप्तानाम प्राणिनाम जीवनम धनम तप्त जीवनम, उन तप्त प्राणियों का जीवन धन है आपकी कथा। ये मैं नहीं कहता, कभी भी ऋणितम कवियों ने गाया है। जितने जीवन के कलमश है, सारे कलमशों को आपकी कथा दूर कर देती है। श्रवण मंगलम, जिसने भी आपकी कथा को श्रवण किया उसका जीवन मंगलमय हो गया, क्योंकि आपका नाम भी तो मंगल है। मगम अमंगलम दूरी कृत्य सा मंगल, जो रास्ते के सारे अमंगलों को दूर करता है उसी का नाम तो मंगल है। गोविंद मेरे जीवन के सारे अमंगल दूर हो गए। सबसे बड़े दानी तो वो हैं जो आपकी कथामृत का दान करते हैं। इसलिए तो संत लोग कहते हैं अरे हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। रहे थे वन में बल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे वन में बल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे वन में बल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे वन में बल खो बैठे थे तन में। प्रभु राह बताने वाले, प्रभु राह बताने वाले यह राज बताने वाले, यह राज बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। गोविंद हमने आपके लिए अपने पतियों को छोड़ा है, अपने परिवार को छोड़ा है, अपने स्वजन संबंधियों को छोड़ा है, और आपने मुझे छोड़ दिया। गोविंद
सच कहूं तो आपके जाने का कष्ट नहीं है। किस बात का कष्ट है? यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनैः प्रियदधिमहि कर्कटेषु तेनाटवीमटसि तद् व्यथितेन किमपि आप उन्हीं कोमल श्री चरणों को लेकर के जा रहे हैं जिन कोमल चरणारविंदों को हम अपने वक्षस्थल में रखने में संकुचित होती हैं। ये कठोर वक्षस्थल कहीं सी चरणों में चुभ ना जाए। इस तरह कहती हुई गोपियां रुदन करने लगी। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्तश्च चित्रथा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लाल सा। सारी की सारी गोपियां एक स्वर से श्याम सुंदर के दर्शन के लिए रोने लग गई। रुदु सुस्वरम, देखो भाई एक स्वर से गाया तो जा सकता है पर रोया नहीं जा सकता। यहां रुरुदुः सुस्वरम राजन, सुस्वर रो रही है। इसका मतलब जब कोई प्राणी संसार के लिए रोता है उसका रोना कुस्वर हो जाता है और जब प्रियतम ठाकुर के लिए रोता है तो उसका रोना सुस्वर हो जाता है। सारी गोपियां एक स्वर से रो रहे भगवान को रोना ही तो नहीं देखा जाता सुना जाता। जब भक्त रोना प्रारंभ कर देता है तो ठाकुर नहीं रह पाता। इसलिए तो कबीर दास जी कहते कबीर हंसना छोड़ दे। अरे कबीर हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, रोने से वो मिलत है प्राण प्यारो भी। रोने से ठाकुर भी मिलते हैं। ठाकुर रोना नहीं सुन पाता। दो बूंद आंसू बहाया नहीं कि ठाकुर सामने आया नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मां अपने छोटे से बच्चे को बढ़िया सुंदर सजा बजा करके पालने में लिटाती है और उसके हाथ में सुंदर सा खिलौना देती है, लो खेलो। जब बेटा रोने लगता है और खिलौने को ही फेंक देता है तो बताओ मां अपने बेटे के रोने की आवाज सुन पाती है? नहीं सुन पाती। जब एक सामान्य सी मां अपने बेटे के रोने की आवाज को सुन नहीं पाती है, छटपटा जाती है, सारे कामों को छोड़ करके मां दौड़ पड़ती है और अपने बेटे को गोद में उठा लेती है। तो परम प्रियतम परमात्मा
जगदीश्वर अधीश्वर सर्वेश्वर करुणा वरुणालय जो चराचर जीवों पर अनुग्रह करता है, वह परमात्मा कैसे हमारे रोने की आवाज सुन सकता है। ठाकुर तो स्वयं दौड़ा हुआ चला था। आज सारी गोपियां जब रोना प्रारंभ कर दी तो ठाकुर से रहा नहीं गया, ठाकुर भी आ गया। तासामा वीर भूत छोरी इसमय मान मुखा पीतांबर धरस्त्र गवी साक्षात मन मथ मन मथा साक्षात मन मथ मन मथा कामदेव की शोभा को विलज्जित करने वाला दिव्य स्वरूप सामने प्रकट हो गया। कहते ठाकुर कहीं गए नहीं थे। वास्तविकता तो यह है कि ठाकुर हमारा कभी किसी के दूर से दूर जाता नहीं। ठाकुर जी कहीं नहीं गए। एक गोपी की चूनर को ओढ़ करके बैठ गए थे। जैसे गोपी खोज रही थी वैसे ठाकुर जी भी खोज रहे थे। जैसे गोपियां रो रही थी वैसे वो भी रो रहे थे। जैसे गोपियां स्तुति कर रही थी वैसे वो भी स्तुति कर रहे थे। पीतांबर धरस्त्रगवी साक्षात मनमथ मनमथा, इसका मतलब क्या है? तुम जिस चेष्टा को करते हो ठाकुर वही चेष्टा करता है। तुम ठाकुर को पाने के लिए जो करोगे वही ठाकुर भी करेगा, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस तरह से भजेगा मैं उसे वैसे ही भजूंगा। एक गोपी तो तांबूल चरवण लेने के लिए हाथ फैला दी। देखो श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बंद की हुई गोपी को देखा, भगवान ने कहा देवियों हम तो तुम्हारे बीच से अंतर ध्यान इसलिए हो गए थे, जब किसी का धन गायब हो जाता है तो उसकी आसक्ति धन में और ज्यादा बढ़ जाती है। हम तुम्हारे बीच से जब अंतर ध्यान हो गए तो तुम्हारा प्रेम मुझसे और ज्यादा बढ़ गया। आओ हम तुम्हारे साथ दिव्य महारास करते हैं। भगवान ने पुनः गोपियों के बाहुओं से बाहुओं को मिलाया, अधरों से अधरों को मिलाया, चरणों से चरणों को मिलाया और अंगन्यास विन्यास प्रारंभ कर दिया। पादन्यास भुज विदुत भी सस्मितैर भूविलासै भजन मध्ये चलत कुच पुटै कुंडलैर कुंडलोलै। आइए हम सब महाराज का सुंदर आनंद लेते हैं। गोकुल में देखो रे वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संगे राधा नाचे रे श्याम संगे राधा नाचे रे। हो गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संगे राधा नाचे रे श्याम संगे राधा नाचे रे।
चंद्र किरण सा श्याम पलोना दुई आंखें कगेरारी हो 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 चंद्र किरण सा श्याम सलोना दुई आंखें कगेरारी हो 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 ठुमुक ठुमुक नाचे गोपियन के संग जग का पालन हारी हो 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 ठुमुक ठुमुक नाचे गोपियन के संगी जग का पालन हारी रासे बिहारी राधा सुकुमारी रासे बिहारी राधा सुकुमारी संग ब्रज में विराजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे छम छम नाचे राधा रानी सुनकर मीठी मुरलिया हो 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 छम छम नाचे राधा रानी सुनकर मीठी मुरलिया हो 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 श्याम छवि पर सब बलिहारी बाल बाल अरु गैया हो 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 श्याम छवि पर सब बलिहारी परर परर चाले रे बदरी पुरवैया रे परर सरर चाले रे बदरी पुरवैया रे मेघा कर जे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे यमुना तट पर बंसे बट पर कान्हा रासे रचाए हो 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 यमुना तट पर बंसे बट पर कान्हा रासे रचाए हो 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 गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए हो 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 गोपी बन कर शंकर आए डम 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 रो बाजे कान्हा के मुरली पे डम 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 रो बाजे कान्हा के मुरली पे सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे हो गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे रास बिहारी भगवान की जय हो।
हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।